हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। आज हम सीखेंगे वैदिक गणित के तरीके से पहाड़े यानी कि टेबल्स। 100 तक की टेबल्स सीखेंगे हम आज, जिससे सीखकर हम 100 तक की टेबलों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आज हम टेबल करेंगे 76 की। हमें 76 की टेबल करने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें 7 की टेबल लिखनी होगी, फिर 6 की लिखनी है। तो हम 7 की टेबल शुरू करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। हमारी 7 की टेबल कंप्लीट होती है। हम अब आते हैं 6 की टेबल पर। तो हम 6 की टेबल शुरू करते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। हमारी 7 और 6 की टेबल कंप्लीट होती है। अब हम 76 की टेबल करने के लिए क्या करेंगे? जो 6 की टेबल 6 2 12 होता है, 12 का जो आखिरी वाला अंक है 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और 14 में जो ये 1 रहता है, 14 में ये 1 ऐड कर देंगे। 14 और 1 आया हमारा 15। हमारा 76 टू जाता है 152। अब हम 76 थ्रीजा करने के लिए क्या करेंगे? जो ये 18 का 8 है, 8 पीछे लिख देंगे, और 21 में जो ये 1 है, ये 1 ऐड कर देंगे। 21 में 1 ऐड करेंगे हम, हमारा आंसर आता है 22। हमारा 76 थ्रीजा आया 228। अब हम 76 फोरजा है जो हमारा 6 की टेबल में जो 24 आता है, 6 4 24, वो 24 का जो आखिरी वाला अक्षर है 4, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, और 28 में 2 ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आता है 30। तो हमारा 76 फोर जा 304 आंसर आया। अब हम 6 की टेबल में जो 5 जो है 30, 6 5 जा 30, जो 30 के पिछले वाला अंक है 0, हम 0 को यहाँ लिख देंगे, और 35 में 3 ऐड कर देंगे। हमारा आंसर आता है 380। अब हम करेंगे 76 6 जा। हमें 76 6 जा करने के लिए क्या करना है? जो हमारा 6 6 जा 36 है, इसमें जो आखिरी वाला अक्षर 6 है, वो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे, और 42 में 3 ऐड कर देंगे। 42 में 3 ऐड करते हैं, हमारा आंसर आता है 456। 76 6 जा आया हमारा 456। 7 जा करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा 6 7 जा 42 है, 42 का आखिरी वाला अक्षर है जो, वो है 2। 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और 49 में 4 ऐड करेंगे। हमारा आंसर आता है 532। 76 7 जा 532। हम अब 8 जा करेंगे। 6 8 जा 48 है जो, 48 का आखिरी वाला अंक है 8। 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 56 में 4 ऐड करेंगे। हमारा आंसर आता है 60। हमारा 76 8 जा आया 608। तो हम जो 6 9 जा हमारा 54, जो ये 4 अंक है आखिरी, ये हम लिख देंगे 4 यहाँ पर, और 63 में 5 ऐड करेंगे। हमारा आंसर आता है 68। अब हम हमारा 76 9 जा क्या आया 684। तो हम 76 10 जा आएगा हमारा 760। हमारा 76 10 जा आया 760। अब हम दूसरी टेबल लेते हैं, उसके वो टेबल है 97 की। तो 97 की टेबल में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे 76 की टेबल में करा था। पहले हम 9 की टेबल लिखेंगे, फिर 7 की लिखेंगे, उसके बाद हम ऐसे ही इनको यहाँ पर जोड़ते जाएंगे। पहले हम 9 की टेबल लिखेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। हमारी 9 की टेबल कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे 7 की टेबल। तो
7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। तो हमने 9 और 7 की टेबल कंप्लीट कर ली। तो हम 97 की टेबल करेंगे। 97 बन जा 97। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे। 14 का जो पिछला अंक है 4 यहाँ पर लिख देंगे और 18 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 194। 97 टू जा 194। तो हम अब 3 जा करेंगे, जैसे 121 का 1 यहाँ पर लिख देंगे, 27 में 2 ऐड करेंगे हमारा आता है 29। हमारा आंसर आया 291। तो हम अब इसमें करेंगे 28 का जो 8 है पिछला अंक का जो, वो हम 8 तो यहाँ पर लिख देंगे और 36 में 2 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 388। अब हम 97 4 जा आया हमारा 388। तो हम 5 जा करेंगे, जो ये 7 5 जा 35 है, इसका जो पिछला अंक है 5 वो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे और 45 में 3 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 485। हमारा आंसर आया 97 5 जा 485। तो हम अब 6 जा करेंगे, जो हमारे 42 है ये पिछला 2 है हमारा जो, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और फिर 54 में 4 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 582। 97 6 जा 582। तो हम 7 जा करेंगे, 7 9 जो है जो 49, 49 का 9 हम यहाँ पर लिख देंगे और 63 में 4 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 67, 679। 97 7 जा 679। अब हम 8 जा करेंगे, 7 8 जा जो हमारे 56 है, 6 हम पिछला अंक का जो हमारा 6 वो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे और 72 में 5 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 77, 776। हमारा 97 7 जा 8 जा 776। अब हम 9 जा करेंगे, 7 9 जा 63 है जो हमारा, वो 3 दो हम पिछला अंक जो यहाँ पर लिख देंगे और 81 में 6 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 873। 97 9 जा 873 और 97 10 जा 970। अब हम तीसरी टेबल लेते हैं 79 की। तो पहले हम इसी तरीके से पहले हम 7 की टेबल करते हैं। 7 वन जा 7 7 टू जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। अब हम 9 की टेबल करते हैं। 9 वन जा 9 9 टू जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 8 जा 72 9 9 जा 81 9 10 जा 90। तो हमने 7 और 9 की टेबल कंप्लीट कर ली है। तो हम अब 79 की टेबल उसी तरीके से कर देंगे। जैसे तो हमारा ये 8 है 18 है, इसका 8 हम लिख देंगे पीछे इसका 8 हम लिख देंगे पीछे और 14 में 1 ऐड करेंगे, 14 में 1 ऐड करने से हमारा आंसर आता है 158। 79 2 जा 158। हम अब 3 जा करेंगे, जो हमारा 9 3 जा 27 है, इसका जो पिछला अंक 7 है वो हम 7 यहाँ पर लिख देंगे और 21 में 2 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 237। 79 3 जा 237। अब हम 4 जा करेंगे, 9 4 जा 36 है जो हमारा, ये 6 है जो पिछला अंक, वो हम 6 यहाँ पर लिख देंगे और 28 में 3 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 316। 79 4 जा
316। हम 5 जा करेंगे, जैसे 45 का जो 9 45 का पिछला अंक है 5, और हम 5 यहाँ पर लिख देंगे और जो 35 में 4 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आता है 395। 79 5 जा 395। अब हम 6 जा करेंगे, 54 है जो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे पिछला अंक, और 42 में 5 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 474। अब हम 7 जा करेंगे, जैसे जो 63 का 3 है वो हम 3 यहाँ पर लिख देंगे और 49 में 6 ऐड करेंगे, आता है 55। हम अब करेंगे 7, जो हमारा 9 8 जा 72 है वो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे और 56 में 7 ऐड करेंगे, आता है 63, यानी कि 632। अब हम 9 जा करेंगे, जो हमारा 81 का 1 है 1 हम यहाँ पर लिख देंगे और 63 में 8 ऐड करेंगे, आता है 771। अब हम करेंगे 10 जा, हमारा आंसर आया 790। अगर आप इस तरीके से टेबल्स करोगे तो आपको 100 तक की टेबल बहुत आसानी से आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।